सुबह उठाना अभी बहुत नींद आ रही है। अरे जाकर उस सुबह लक्ष्मी को उठा लो ना और उसे बोलो कि अपनी मुर्गी को सुला दे, नहीं तो हम नहीं सो पाएंगे। अरे ओ सुबह लक्ष्मी देवी, अपनी कुकड़ों को बंद करिए। अयो शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी। अयो कौन है जो शुभ लक्ष्मी को जगा रहा है इतनी रात को? देखो तो, मैं हूँ रामा कृष्ण। हाँ बोलो, दो दो नाम वाले मनुष्य। अरे अपनी कुकड़ों को, कहने का अर्थ है अपनी मुर्गी की कुकड़ों को बंद करिए। मुर्गी ने आपकी अम्मा जैसा मौन व्रत नहीं लिया, ये तो बोलेगी। रुको। अरे आपकी मुर्गी की कुकड़ों की वजह से कितने दिनों से सबकी निद्रा में विघ्न हो रहा है। अच्छा, जब रात को कुत्ते भौंकते तब तो कुछ नहीं होता, अब मेरी मुर्गी बोले तो निद्रा नहीं आती। अरे आपकी मुर्गियों के भय से तो अब तो कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। रामा, शुभ लक्ष्मी की मुर्गी शुभ लक्ष्मी के घर में बोली थी, आपको समस्या है तो शुभ लक्ष्मी क्या करे? देखो अम्मा, पूरे प्रारंभ हो गई। यदि आपकी मुर्गी शांत नहीं हुई ना तो मैं क्या क्या कर लोगे? हाँ तो मैं आपकी मुर्गी को काट के खा जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। अयो रामा, सुना अम्मा, वो तो भगवान के नाम वाले आपके पुत्र पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे। दुष्ट, पापी, दुराचारी, राक्षस, शब्द हमारे हैं, परंतु क्रोध तो अम्मा का है ना। और भी कुछ कह रहे हैं कि अगर मुर्गी को खाने की बात की ना तो कौन किरण देंगे आपको? घोर कलयुग, हम मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। ची 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 ची, बाल्यकाल से मुर्गी को देखता था, मुझे तो तभी से इसकी नियत पर संदेह हो गया था। अरे अम्मा, तुम मेरी नियत पर कहाँ से पहुँच गई? वो एक मुर्गी है, कोई रूपवती कन्या थोड़ी मैं। अगर रूपवती कन्या होती तो? दादा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं, आप रूपवती कन्या की बात कर रहे हैं। मदिरा पीने का क्या ख्याल है? क्षमा देवी, क्षमा, त्रुटि हो गई। तुम स्त्रियों से कभी कोई विजय पा सकता है भला? उधर मुर्गी, इधर ये, देखो ये। सत्य कहा है कि घर से अधिक शांति मंदिर में मिलती है, और मेरे लिए तो मंदिर ये राज दरबार ही है। कितनी शांति मिल रही है यहाँ, आते ही मन शांत हो गया। प्रणाम मंत्रीवर। धन्यवाद माँ। ये कल अच्छे से ये मुर्गी की कुकड़ों को मेरे कानों में गूंज रही है। मुर्गी, प्रणाम मंत्रीवर। अरे वो तो रही, ये वो मुर्गी जिसने मुझे परेशान कर रखा है। तेरी तो मैं, अरे ये मुर्गी, अरे अरे ये मुर्गी। हाँ मुर्गी। पंडित रामकृष्ण, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस मुर्गी को। अरे मंत्रीवर, तलवार तो आपके पास है। तो सूरवीर तो आप भी हुए ना, निकालिए अपनी तलवार और इसे पकड़ कर इसका खात्मा कर दीजिए। पकड़ो,
क्या है, ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया। मुर्गी 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 पीछे पड़ी है। मुर्गी मुर्गी से डरकर भाग रहे हो। बड़ी भयानक मुर्गी प्रतीत होती। हाँ गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है हमारी कमर टूट गई। हमने तेरा क्या बिगाड़ा? जाना लगता फिर आक्रमण करेगी, फिर आक्रमण करेगी। मुर्गी हमारे पीछे पड़ गए, अरे हमारा पीछा छोड़ दे। रक्षा, अरे कोई तो रक्षा करो। अरे सिपाहियों क्या कर रहे हो? पकड़ो आचार्य, संभल के। मुर्गी मुर्गी इधर। महारानी चिन्ना देवी की भ्राता। वासु जी महाराज, अब आ गए? हम आ गए। अद्भुत अद्भुत, अब आए हो तो दो चार दिन तो रुक कर ही जाएंगे। नहीं 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 महाराज, महीने अब हम आए हैं तो दो चार महीने तो रहेंगे। दो चार महीने रहेंगे? जी महाराज। प्रतीत होता है हमें शांति नहीं मिली। शांति प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय राज दरबार में ही व्यतीत करना होगा। वसुदेव आइए दरबार चलते हैं। जी महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। महाराज कृष्णदेव राय की जय। हमें प्रतीत हो रहा है कि रात दरबार में कुछ क्षण पहले कोई उत्पात मचा था। क्या हुआ था यहाँ पे? हम पूछ रहे किसने उत्पात मचाया था यहाँ पर? किसने? इस दुष्ट मुर्गी ने किया ये सब? इसे अकड़ कर आप किसी यहाँ पर बैठी है। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है महाराज। तुच्छ मुर्गी ने हमारे राज दरबार में उत्पात मचाया। यदि ये मुर्गी इतना सता रही है तो इसे अभी इसी क्षण राज दरबार से बाहर निकाला जाए। निकालिए बाहर। ये मुर्गी नहीं है, रूपपति है, मेरी मित्र, मेरी शुभेच्छु। वसुदेव इधर आइए, ये आपकी मित्र अर्थात आपकी मुर्गी है। ये मुर्गी नहीं है, ये रूपपति है। तो वसुदेव आप इस रूप आप इस मुर्गी को यहाँ से बाहर ले जाने की कृपा करेंगे। जी महाराज।
सरोवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कहाँ है आचार्य? गुरुजी अब नीचे उतर आइए, आपका जीवन संकट मुक्त हो चुका है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आ जाइए। आप वहां उस स्तंभ के पीछे क्या कर रहे थे? घोर अपमान हुआ, धर्म भ्रष्ट कर दिया इस महापंडित का, उसने हमें छूकर अपवित्र कर दिया महाराज। गुरुवर आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहे महाराज? हमें मरु नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा। महाराज ऐसे अशुभ जंतुओं को विजयनगर से निष्कासित कर दीजिए आप। परंतु गुरुवर वो मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के छोटे भ्राता वसुदेव की है। महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी? हम मुर्गी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं महाराज, हम तो इन धनी मनी की बात कर रहे हैं महाराज। महाराज इन्होंने ना तो आचरण सीखा ना शास्त्र, और आज तो सीमा लांग गए, स्नान करने भी नहीं आए। महाराज मुर्गी तो मुर्गी होती है, वो भी रासी मुर्गी, वो भी महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी। अब इतना उत्पात मचाना तो स्वाभाविक है ना महाराज, रासी मुर्गी तो ऐसी ही होनी चाहिए। परंतु महाराज इस तरह राज दरबार को अस्त व्यस्त कर देना तो उचित नहीं है ना महाराज। आप कहने का चाहते हैं, आपके कहने का तात्पर्य है कि महाराज कृष्णदेव राया के साले की पालतू और प्यारी मुर्गी को राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाए? असंभव। नहीं नहीं आचार्य, मेरा वो तात्पर्य नहीं है, परंतु राज दरबार की मर्यादा भी भंग करना तो अनुचित है ना। उचित है पंडित रामकृष्ण, आपका कथन उचित है। तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मुर्गी दोबारा हमारे राज दरबार में प्रवेश ना करे। वैसे उस छोटे से बालक को ये भ्रम है कि वो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। ऐसी मुर्गी तो विजयनगर की शोभा दुगनी कर देगी, है ना महाराज? कमाल करते हैं आचार्य, आश्चर्य की बात है, मुर्गी भी कभी सोने का अंडा देती है भला? वो सब तो कथाओं में होता है, सामान्य जीवन में थोड़ी ना। तो आप कहना चाहते हैं कि महारानी चिन्ना देवी के भ्राता झूठ बोल रहे? मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो कहना चाह रहे थे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था। आप प्रयास करना चाह रहे थे? मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। अरे हम तो आपको कह रहे हैं कि पंडित रामकृष्णा यदि ये चर्चा समाप्त हो गई हो तो हम राज दरबार की कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। जी महाराज। बैठिए। हाँ भी माननीय मंत्रीवर। महाराज तो बताइए आज राज दरबार में किस विषय में विचार विमर्श होना है? मुर्गी महाराज, मुर्गी। मुर्गी? जी हाँ महाराज, हमारे किसान भाइयों की एक समस्या है, उनको लगता है कि उनकी मुर्गियाँ ठीक से दाना पानी नहीं ले रही हैं। अब वो भ्रमित हैं कि क्या मुर्गियों को दाने का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है और किसी कारणवश या मुर्गियाँ अनशन पर बैठी है। ईश्वर यहाँ भी मुर्गियाँ, लगता है ये मुर्गियाँ कभी मेरा पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। मुर्गी मुर्गी, घर में मुर्गी, दरबार में मुर्गी, हर स्थान पर केवल मुर्गी मुर्गी मुर्गी। ऐसा लग रहा है अब तो आकाश से भी केवल मुर्गी की बरसात होगी। इन मुर्गियों ने समस्त विजयनगर को परेशान करके रखा हुआ है। वो वासुदेव अर्ध विक्षिप्त है और उसकी मुर्गी पूर्ण विक्षिप्त। अब तो ऐसा लग रहा है अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए इस कुएं का पानी भी कम पड़ेगा। लामा पागल हो गया शालदा, स्वयं ने बहुत खराब कर लिया, लगता है पूरे विजयनगर का पानी यही खत्म कर देगा। आज या तो ये मुर्गी नहीं या मैं नहीं। दो दो
भगवान के नाम वाले आपके पुत्र पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल के होकर मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। थक गई, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुर्गी काटोगे? मानसिक रूप से अशुद्ध हो गए हो। जब तक शुद्ध नहीं हो जाते, बिना कुछ खाए पिए यही घर के बाहर रहोगे। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे मुर्गी नहीं खाना, मुझे दही चावल खाना है अम्मा। अरे ऐसे बात बात पे कोई अपने पुत्र को घर से निकालता है क्या भला अम्मा? इस मुर्गी ने तो सर्वनाश कर दिया है, मैं खा जाऊंगा उसे। सर्वनाश कर दिया इस मुर्गी ने। स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, मुर्गियां भी आपकी भक्त हो रही है। प्रिय प्रिय बरु जी, हमें वायु की आवश्यकता नहीं है। आप महान है स्वामी, आप वायु के बिना भी जीवित रह सकते हैं। वरुण माला, ये जो पल्लू से वायु कर रही है ना आप, उस वायु की आवश्यकता हमें नहीं है। अब जाइए, प्रस्थान कीजिए, जाके विश्राम कीजिए, जाइए। जो आ गया स्वामी। मूर्ख है। आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपका सम्मान नष्ट हो गया गुरुजी, ये जीवन व्यर्थ है। हाय 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 हाय, इतना प्रेम इतना सम्मान, हमारा अपमान होने पर अपने प्राण त्याग रहे हैं। अरे प्राण त्यागे हमारे शत्रु? अपमान आपका हुआ, प्राण आप त्यागेंगे? हम तो आपकी सहायता करने आए गुरुजी। अपने गुरु की हत्या करोगे? नहीं गुरुजी, हम क्यों ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पे ले, आप ही कर लो आत्महत्या। मूर्ख, हम उन मार्मों में से नहीं है जो परिस्थिति से भयभीत होकर अपने प्राण त्याग देते हैं। सर्वनाश तो हम उसका करेंगे। किसका? उस मुर्गी का। किस प्रकार गुरुजी? मेरा उस मुर्गी को पकड़ो, वन में ले जाओ और वहां ले जाकर उसका उस मुर्गी की हत्या कर दे। अरे क्या गुरुजी, धनी मणि से जीव हत्या का पाप करवा रहे हो। मूर्ख, इसे क्या हुआ? तो क्या कर रहा है ये? अरे क्या है, अपने गुरु पर प्रहार करोगे? अरे नहीं, पकड़िए इसे और जितना मारना है मारो, लेकिन धनी मणि जीव हत्या का पाप कभी नहीं करेंगे। चाहे गुरुजी वो मुर्गी क्यों ना हो, लेकिन आपके आदेश पर हम जीव हत्या बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी। काम के नहीं, काम के नहीं, इतना तो कर सकते हो। उस मुर्गी को पकड़ो और वन में छोड़ कर आओ। गुरुजी, हम ये कार्य कर सकते हैं क्या? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। शिव 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 शिव, आज इस दुष्ट मुर्गी से मुक्ति मिल जाएगी। एक तुच्छ सी प्राणी परम प्रतापी महाज्ञानी महापंडित तथाचार्य से प्रतिस्पर्धा कर रही है। इस मुर्गी के कारण मुझे अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा है। न जल है न भोजन है। पंडित रामकृष्ण, क्या भाग्य पाया है, कुछ प्रकार से विश्राम भी नहीं कर सकता। अर्धरात्रि घर के बाहर ही
वचनों से संघर्ष कर रहा हूं मैं। समस्त जीवन यहां व्यतीत नहीं कर सकता। इस मुर्गी ने मेरा जीना दुभर कर दिया है। अब इस मुर्गी का कुछ तो करना ही होगा।